Alright guys, welcome back to my channel. Where I am, can you see the background? दिख रहा है background में आपको थोड़ा airport वाली चीज़? No, so मैं घर नहीं जा रही हूँ, but मैं airport specially आई हूँ to make this vlog and to show you Changi Airport. So if you can see behind me. I'm not sure if you can see. वो दिख रहा है आपको ज्वेल लिखा हुआ है. सो हम लोग अभी वहां पे जाएंगे अंदर एंड देन वहां से मैं आपको लेके जाऊंगी. सो लेट्स गो. लोग यहाँ पे शूटिंग करने भी आए हैं. सामने अगर आप देख रहे हो तो लाइट्स वगैरह कैमराज वगैरह लेके आए हुए हैं एंड दे आर शूटिंग समथिंग. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दैट. सो आई एम गोना गो फ्रॉम देयर सो यू कैन सी इट फ्रॉम लाइक फ्रॉम द वेरी नियर थिंग. मुस्कुराइए, आप ज्वाल में हैं. सो वेलकम टू HSBC वॉर्टेक्स. अगर आप सामने देख रहे हो फाउंटेन, ये जो फाउंटेन है इसका नाम है HSBC वॉर्टेक्स. HSBC ने इसको स्पॉन्सर किया है और ये सिंगापुर एयरपोर्ट पे आपको दिखेगा. अगर आपको फोटोज़ दिखते हैं कहीं भी सिंगापुर एयरपोर्ट के, अगर इसके फोटोज़ नहीं दिखते तो फिर क्या दिखता है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द टॉलेस्ट इनडोर फाउंटेन, विच मीन्स सबसे टॉल इनडोर फाउंटेन बनाया गया है. एंड इस बहुत सारे लेवल्स कवर करता है. अगर ग्राउंड के ऊपर ही देखो तो 5 लेवल्स है और नीचे भी 3 लेवल्स है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे लेवल्स है, लेवल्स बाय लेवल्स. तो आपको जिस लेवल से देखना है वहाँ से आप देख सकते हो. तो अभी फिलहाल मैं हूँ लेवल 2 पे, बट अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरे पीछे तो ऊपर एक लेवल है एंड फिर नीचे भी मैं अभी जाने वाली हूँ, तो नीचे एक लेवल है. तो आई थिंक दिस इज़ द अप्रोप्रिएट लेवल, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे ही है और लोग यहीं पे ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं फोटोज खिंचा रहे हैं. ओके, सो लाइक आई सेड कि हम डाउन स्टेयर जाने वाले हैं. मैं नीचे वाले लेवल पे आ गई हूँ अभी एंड और अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से वॉर्टेक्स चालू होता है और आपको ग्राउंड फ्लोर से देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पूरा पानी आपके ऊपर आता है. एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ ये जो पूरा साइट सीन मैं आपको बता रही हूँ, ये 24/7 ओपन होता है. तो आप कभी भी लैंड कर रहे हो सिंगापुर एयरपोर्ट पर, आपको ये एक्सेस मिल जाएगा और आप फोटोज़ खींच सकते हो, देख सकते हो, पूरा एयरपोर्ट देख सकते हो. इस जस्ट जो शॉप्स है वो उसका कुछ टाइम लिमिटेशन होता है बिकॉज इट इज़ अ शॉपिंग मॉल, बट ठीक है. बाकी जो अट्रैक्शन है, साइट सीइंग है, वो तो पूरा टाइम चालू ही रहते हैं. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी मैं लेवल 1 पे हूँ. मैं हूँ यहाँ पे, मेरा जो एरो दिख रहा है सेंटर में, मैंने आपको वो दिखाया था फाउंटेन, और फिर उसके बाजू में पूरा फॉरेस्ट है जो मैंने अभी कवर किया है, और वो सारे लॉबीज है, सिटिंग एरियाज, और फिर व्हाट वी कॉल द गैलरीज जहाँ से लोग फोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं. दिस इज़ अ गाइड और ये हर 5-5 मिनट में ऐसा गाइड जो सेटअप होता है वो लगा हुआ है. सो अगर कोई घूम भी गया है तो वो अपने आप को ढूंढ सकता है और कहाँ जाना है क्या है. सो इट इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल डायरेक्ट. अब मुझे जाना है लेवल 5 पे, तो मैं लेवल 5 पे जा रही हूँ. लेवल 5 पे लिफ्ट नहीं जाती, आपको वॉक करके जाना होता है लॉबी से. So if I can show you the lobby and I'm going to go. Hello.
ओके, सो अब हम आ गए सबसे टॉप फ्लोर पे, क्योंकि टॉप फ्लोर से भी देखना ज़रूरी है और ऊपर बहुत सारे टिकटेड अट्रैक्शंस भी है, जैसे कि मेज, पजल्स, बहुत सारे कैफे, रेस्टोरेंट्स, तो ऊपर लोग बैठ के खाना खाते हैं और फिर साइट सीइंग का जो एक्सपीरियंस लेते हैं। ये जो बीच का मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रिज, वहाँ पे से आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव पिक्चर्स मिलते हैं और वो टिकटेड अट्रैक्शन है। यहाँ से एंट्रेंस है, सो एज यू कैन सी बंद है, सिर्फ टिकट्स वालों के लिए ही अलाउड है। और मैंने जैसे आपको बताया हम L5 में हैं, बहुत सारे मेज़ है, सो एंटरटेनमेंट गेम्स भी है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप यहाँ पे आके भी कुछ कर सकते हो। सब मैं एक फ्लोर नीचे आ गई हूँ और नीचे क्या दिखता है, चांगी एक्सपीरियंस स्टूडियो, विच मीन्स आप वो वर्चुअल रियलिटी वाले जो ग्लासेस है वो लगा के आप पूरे एयरपोर्ट का 3D जो है वो एक्सपीरियंस ले सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सारे रेस्टोरेंट, ब्रिजेस जो कि चारों ओर से कनेक्टेड है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अंदर आ सकते हो, आपको एयरपोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड आप यहाँ पे घूम के वापस घर जा सकते हो। खाने के लिए आपको पूरे ग्लोबल कुजीन अवेलेबल है, फ्रॉम जापान टू चाइना टू इंडिया टू जर्मनी, वॉट सो एवर, जो भी कंट्री का आपको खाना चाहिए सारे स्टोर अवेलेबल हैं यहाँ पे। सब में बाहर निकल रही हूँ, और बाहर निकलने से पहले आई गॉट टू सी दिस एंट्रेंस, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फोटोज खिंचाते हैं, और अंदर जाओगे तो आपको अगेन अलग तरीके का व्यू मिलेगा इस वर्टेक्स का, सो दैट इज व्हाट आई एम शोइंग यू राइट नाउ। सो क्लीनलीनेस के हिसाब से देखो आप, या एक्सेसिबिलिटी के या कन्वीनियंस के, ये एयरपोर्ट हर चीज़ में फिट आता है। और आप देख सकते हो लोग सो भी रहे हैं, कहीं बैठे हैं, एंड इट्स वेरी क्लीन कि आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आता कि मैं सो की नहीं या मैं बैठू की नहीं, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। ओके, सो इसी के साथ सिंगापुर एयरपोर्ट का जो मैं आपको टूर करा रही थी वो ख़त्म हो गया, एंड मैं जा रही हूँ वापस होटल में, क्योंकि मुझे अब जाना है शॉपिंग के लिए और फिर मुझे कल फिर से एयरपोर्ट पे आना है। सो आई मीन कल मैं जा रही हूँ वापस घर, आई एम गोइंग टू इंडिया, सो यू विल गेट टू सी मोर कंटेंट फ्रॉम इंडिया। तो बस सिंगापुर का मेरा सफ़र अभी यहीं ख़त्म होता है, मुझे अब लोकल मार्केट जाना है, शॉप करना है, मैं वहाँ से भी बहुत सारे फ़ोटोज़ करने वाली हूँ, रील के लिए कॉन्टेंट लेने वाली हूँ, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सी मोर कॉन्टेंट।